मैक्लूस्कीगंज स्थित दिल्ली सर्वधर्म स्थल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बैजनाथ लोहरा ने किया तथा बैठक का संचालन जिला सचिव मोहित कुमार के द्वारा किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता प्रीतम सांड लोहरा तथा प्रदेश संगठन सचिव रंजन श्रीवास्तव उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम आरपीआई अम्बेडकर पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर बारी बारी से माल्यार्पण कर किया गया। बैठक मैक्लूस्कीगंज के ग्रामीणों ने भूदान में मिली जमीन एवं गैर मजूरवा जमीन को दलालों द्वारा अवैध रूप से खरीद बिक्री के साथ अन्य मामलों को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष रखा। बैठक में उपस्थित प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता प्रीतम सांड लोहरा ने समस्याओं को सुनने के बाद प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता प्रीतम सांड लोहरा ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि खलारी में कई ऐसे मामले हैं जिनकी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और दलालों के लिए उचित कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे और न्याय अधिकार की लड़ाई में हमेशा ग्रामीणों के साथ है। वह आगामी लोकसभा चुनाव में कांके विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही। इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तथा कई लोगों को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपने का काम किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। जैसा है कि खलारी में बाबा साहब का जो मिशन है, हम लोग 2024 तक प्रत्येक घर घर में जाकर हम लोगों का जो भी साथीगण है उनके साथ हम लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब का जो भी योजना था, जो भी समतामूलक समाज का जो भी कार्य करने की उन्होंने ठानी थी, है ना, हम लोग हर घर में प्रयासरत रहेंगे, हर घर में पहुंचाएंगे और इस बार 2024 में जीत जरूर दिलाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन था भारत को समतामूलक समाज बनाने का, हम लोग सर्वधर्म स्थल पर आज जो बैठक किए हैं उसमें हम लोगों का यही है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर से अपना प्रत्याशी स्वयं देंगे और जहां तक हम लोग का प्रयास है कि इस बार विजय भी हासिल करने की पूरी संभावना है। अपने पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मिशन लेकर के खलारी प्रखंड के दिल्ली गांव में हम लोग आए हैं और बाबा साहब का मिशन को हम लोग सभी के बताए, बहुत लोग खुश हुए और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए यहाँ के सैकड़ों लोग आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्यता ग्रहण किए हैं। खलारी प्रखंड के मैक्लूस्कीगंज में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बैठक हुई है। इस बैठक में कांके विधानसभा क्षेत्र के जो 3 प्रखंड हैं, खलारी, कांके हम लोग तीनों प्रखंड में आरपीआई का बैठक कर रहे हैं और 2024 का विधानसभा और लोकसभा में हम लोग अपना पार्टी की ओर से प्रत्याशी खड़ा करेंगे। कांके विधानसभा से हमारी पार्टी अपने उम्मीदवार देगी और रांची लोकसभा के लिए भी हम लोग अपना उम्मीदवार देंगे। इसी का तैयारी के लिए हम लोग आज का बैठक किए थे और दर्जनों लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्यता लिए हैं।